नमस्ते दोस्तों, यात्रा की जानकारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के चार धामों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत में दो चार धाम है, एक जिसे भारत का चार धाम कहा जाता है और दूसरा है उत्तराखंड के चार धाम। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम उत्तराखंड के चार धामों के बारे में बात करने वाले है। जैसे कि उत्तराखंड के चार धाम उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पर स्थित है और ये चार धाम की यात्रा कहां से शुरू होती है और कहां पे समाप्त होती है। साथ ही ये भी बताएंगे कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा करने का सबसे उचित समय कौन सा होता है। दोस्तों, उत्तराखंड की चार धाम यात्रा करने के लिए आपको पंजीकरण करवाना बेहद जरूरी है और पंजीकरण करवाने के लिए आपको कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये सारी बात हम करने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि उत्तराखंड के ये चार धाम मंदिर कौन सा मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में बताई जानकारी यदि अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत के उत्तर में बसा बहुत ही खूबसूरत राज्य उत्तराखंड, जिसे देवों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य अपने पर्यावरणीय दशाओं और खूबसूरत वादियों की ओर सभी का मन मोह लेता है। यहाँ बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग चार धाम यात्रा करने के लिए आते हैं। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में भक्त चार धाम के दर्शन करने आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार धाम यात्रा करने का सबसे बेस्ट समय कब होता है। तो दोस्तों, चार धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर तक होता है। इन महीनों में मौसम सुहाना होता है, जो कि यात्रा को आरामदायक और सुखद बनाता है। गर्मियों के दौरान मौसम अच्छा रहता है, तो आपको चार धाम की यात्रा गर्मियों के दौरान ही करनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये चार धाम उत्तराखंड में कहां पर स्थित है और चार धाम की यात्रा कहां से शुरू होती है और कहां पे समाप्त होती है। दोस्तों, ये पवित्र स्थल उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। परंपरागत रूप से यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। इस प्रकार यह यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में समाप्त होती है। यह आवश्यक जानकारी है जो यात्रा की योजना बनाते समय आपकी मदद करेगी। दोस्तों, यात्रा आपकी सुविधा अनुसार दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से शुरू हो सकती है। चार धाम यात्रा बायोमेट्रिक पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण करवाने के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे आवश्यक दस्तावेज यात्रा में अपने साथ जरूर ले जाएं। तो अब हम बात करते हैं कि ये चार धाम मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है। दोस्तों, उत्तराखंड में चार निवास है, जो कि छोटा चार धाम यात्रा या उत्तराखंड चार धाम के रूप में लोकप्रिय है, जिसमें हिंदुओं के चार पवित्र मंदिर शामिल है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। दोस्तों, केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित है, बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है, यमुनोत्री और गंगोत्री कृष्ण देवी गंगा और यमुना नदियों को समर्पित है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा मंदिर कहां पर स्थित है और कौन से मंदिर में दर्शन करने का क्या टाइम है। तो पहले नंबर पे आता है यमुनोत्री धाम। दोस्तों, यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना मृत्यु के देवता यम की बहन है। ऐसा माना जाता है कि यमुना में स्नान करने से शांति मिलती है। दोस्तों, यहां से देहरादून 182 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हरिद्वार 226 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में दर्शन करने का समय यमुनोत्री मंदिर सुबह लगभग 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाता है। दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच की अवधि में बंद होता है। यमुनोत्री मंदिर के बंद होने का समय रात 8 बजे है।
तो दूसरे नंबर पे आता है गंगोत्री धाम। दोस्तों यह मंदिर देवी गंगा को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगोत्री धाम वह स्थान है जहां गंगा नदी स्वर्ग से उतरी थी जब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं से छोड़ा था। समुद्र तल से 3,042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यहां से हरिद्वार 285 किलोमीटर और देहरादून 240 किलोमीटर है। इस मंदिर में दर्शन करने का समय गंगोत्री मंदिर में पूजा सुबह 4 बजे आरती के साथ शुरू होती है और शाम को 7 बजे शयन आरती के साथ समाप्त होती है। मंदिर 6 बजे तीर्थ यात्रियों के दर्शन के लिए खुलता है। दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक बंद होता है। तीसरे नंबर पे आता है केदारनाथ धाम। दोस्तों यह धाम हिमालय की गोद में स्थित रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3,553 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है। यह न केवल चार धाम यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है बल्कि इस प्राचीन मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी माना जाता है। इसके अलावा केदारनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, मत महेश्वर और रुद्रनाथ मंदिर एक साथ पंच केदार बनाते हैं। देहरादून से यह 254 किलोमीटर की दूरी पर और हरिद्वार से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर में दर्शन करने का समय केदारनाथ मंदिर पूजा अनुष्ठान सुबह 4 बजे महाअभिषेक के साथ शुरू होता है और शाम 7 बजे शयन आरती के साथ समाप्त होता है। मंदिर सुबह 6 बजे तीर्थ यात्रियों के दर्शन के लिए खुलता है। दोपहर में यह 3 से 5 बजे 2 घंटे के लिए बंद होता है। चौथे नंबर पे आता है बद्रीनाथ धाम। दोस्तों नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 3,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है जिन्हें दिव्य हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रक्षक और संरक्षक माना जाता है। इस महत्वपूर्ण कारणों के अलावा बद्रीनाथ धाम को चार धाम यात्रा में इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्त किया था। इस प्रकार पुनः जन्म की प्रक्रिया से अपनी ईश्वरतंत्र प्राप्त करती है। केदारनाथ मंदिर से बद्रीनाथ मंदिर की दूरी 218 किलोमीटर है और हरिद्वार से इसकी दूरी 316 किलोमीटर है। देहरादून से बद्रीनाथ मंदिर की दूरी 334 किलोमीटर है। इस मंदिर में दर्शन करने का समय मंदिर में दैनिक अनुष्ठान महाअभिषेक और अभिषेक पूजा के साथ लगभग सुबह 4:30 बजे शुरू होते हैं और शयन आरती के साथ लगभग 9 बजे समाप्त होते हैं। मंदिर आम जनता के लिए सुबह 7 बजे खुलता है और दोपहर में 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच बंद होता है। तो दोस्तों ये थी उत्तराखंड के चार धामों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।